ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस थी, इसको मैंने आपको बताया कि प्रपोज किसने किया था 1911 में, किसने किया था? वैगनर साहब ने, अल्फ्रेड वैगनर साहब ने इसको प्रपोज किया था। और इसके बारे में इन्होंने जो बातें कही उसको हम आगे थोड़ा देखते हैं। ये है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हाइपोथेसिस के जो प्रणेता, इनको आप कैसे प्रोपाउंडर, ही वॉज अल्फ्रेड वैगनर साहब। और ये इन्होंने क्या कहा, देखिए, अल्फ्रेड वैगनर प्रपोज द हाइपोथेसिस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट इन 1911. He gathered information from many different sources and used it as evidence for his hypothesis. इन्होंने उसके evidence के तौर पे बहुत सारी बातें बताई वैगनर साहब ने, और इस hypothesis को आगे बढ़ाया। Evidence क्या है इसके support में? Evidence को हम दो तीन category में बांट लेते हैं। एक तो इन्होंने कहा jigsaw fit, जिग्सॉ फिट क्या होता है? जिग्सॉ फिट का मतलब होता है कि अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो अफ्रीका है ऐसे करके, राइट, और ये जो साउथ अमेरिका है, ये दोनों को अगर सेट किया जाए तो दोनों सेट हो जाएंगे, इसको कहा जाता है जिग्सॉ फिट, राइट। तो ये फिट होता है, ये पेलिग्नी साहब थे, उन्होंने सबसे पहले इसको दिया था कि आप अगर ध्यान से देखें तो साउथ अमेरिका अफ्रीका में जाके सेट हो जाता है, इसी तरीके से ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका और यूरोप को अगर मिक्स करें तो वो जाकर के मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड जिग सॉ फिट। दूसरी चीज इन्होंने कही थी, फॉसिल्स इकट्ठा किया था। इन्होंने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है कि हजारों किलोमीटर दूर जो फॉसिल हैं सेम स्पेसीज पाई जाए। ये कैसे पॉसिबल है कि हजारों साल, हजारों किलोमीटर दूर अगर सेम स्पेसीज पाई जाती, तो कहीं ना कहीं ये जरूर एक ही पार्ट के रहे होंगे, तभी नॉर्थ अमेरिका में भी वही स्पेसीज पाया जा रहा है जो यूरोप में पाया जा रहा है, अफ्रीका में भी वही स्पेसीज पाया जा रहा है जो साउथ अमेरिका में पाया जा रहा है। तीसरी चीज इन्होंने कही कि जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स एंड रॉक्स, इसमें भी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी देखी गई है। तो इन्होंने क्या कहा, जिग्सॉ फिट, कंटिनेंट्स को जोड़ के देखा इन्होंने, फॉसिल्स को देखा इन्होंने, माउंटेन एंड रॉक्स को भी देखा, इसके अलावा बहुत सारे इन्होंने एनिमल्स की भी बात करी, और वो एनिमल्स यूरोप से निकलते हैं और जाकर के समुंदर में कूद जाते हैं उसके वेस्टर्न साइड में, यूरोप के इस पार्ट में, राइट, यहां जाके समुंदर में कूद जाते हैं। इन्होंने कहा कि ये क्यों इधर कूद जाते हैं, क्योंकि अमेरिका वाले कॉन्टिनेंट की आदत पड़ी हुई है कि इधर की तरफ जाएंगे अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ, लेकिन ये नहीं जा पाते तो समुंदर में डूब जाते हैं जाके। तो बहुत सारे एविडेंस इन्होंने दिए, पहला जिग्सॉ फिट, दूसरा फॉसिल एविडेंस लिया, तीसरा माउंटेन रेंजेस को लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा डिटेल में देखते हैं इसको। ये है फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट जिसको हमने कहा जिग्सॉ फिट। एंटोनियो स्नाइडर पेलिग्रिनी, ए ज्योग्राफर, कट आउट ए मैप ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका सजेस्टिंग दे वर कनेक्टेड एट वन टाइम। अदर फिजिकल एविडेंस बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन वॉज यूज बाय वैगनर, वैगनर साहब ने देखो यूज किया, इन्होंने कहा साउथ अमेरिका था वो कभी अफ्रीका का ही पार्ट था, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जाकर के जुड़ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और जिग्सॉ फिट। फॉसिल एविडेंस इन्होंने देखा, सिमिलर टेरेस्ट्रियल स्पेसीज, इन्होंने कहा सिमिलर टेरेस्ट्रियल स्पेसीज वर फाउंड ऑन मेनी कॉन्टिनेंट्स नाउ सेपरेटेड बाय ओशंस। इन्होंने कहा कि जो साउथ अमेरिका के स्पेसीज हैं, साइनोथेनस, राइट, ग्लोसोप्टेरिस, हाँ, लाइसोसॉरस, मेजोसॉरस, ये सारे आप देखेंगे तो सभी कॉन्टिनेंट्स में पाए जा रहे हैं। ऐसा पॉसिबल नहीं कि हजारों किलोमीटर दूर सेम स्पेसीज पाया जाए। तो ये इन्होंने कहा कि फॉसिल एविडेंस भी शो करता है कि सारे कॉन्टिनेंट्स कभी एक थे। इसके बाद इन्होंने एंसेंट माउंटेन रेंजेस की बात करी। इन्होंने कहा कि जो एंसेंट माउंटेन रेंजेस, ध्यान से देखें आप तो ये है एप्लेसियन माउंटेन, राइट, ये है कैलेडोनियन माउंटेन्स,
ठीक है, ये सेम ऐसा लगता है सेम माउंटेन के पार्ट रहे हों, और फिर जा करके जब हम जिग्सॉ फिट करते हैं पूरे कॉन्टिनेंट्स को, तो ये हमें दिखाई देता है कि देखो ये है, ये पूरे जुड़े हुए नज़र आते हैं, ये आपके एपलेशियन माउंटेन्स जो नॉर्थ अमेरिका में है। अगर इन दोनों को, पूरे नॉर्थ अमेरिका को, अफ्रीका को, साउथ अमेरिका को, यूरोप को जोड़ दें, तो ये जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ये सेम पार्ट दिख रहा है। अब ध्यान से देखें, ऐसा नहीं लग रहा किसी के पार्ट हो ये पूरा। तो इन्होंने कहा कि जो एंसेंट माउंटेन रेंजेज हैं, ये भी अगर हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि सब एक ही पार्ट थे। इसके बाद आता है ग्लेशियर का, इन्होंने एक एविडेंस और लिया था जिसको हम कहते हैं ग्लेशियर एविडेंस। इन्होंने दिखाया कि ग्लेशियर जब चलते हैं किसी भी रॉक के ऊपर से, तो रॉक के ऊपर ये अपना एक साइन छोड़ के जाते हैं कि किधर से किधर ये जा रहे, डायरेक्शन पता चल जाता है। जितने भी ग्लेशियर के जो ऑब्जर्व करते हैं साइंटिस्ट, उनको पता चल जाता है ग्लेशियर नॉर्थ टू साउथ गया है, साउथ टू नॉर्थ गया है, ईस्ट टू वेस्ट गया है, या वेस्ट टू ईस्ट गया है। और जब इसको देखते हैं तो ऐसा पता चला कि जो ग्लेशियर है वो नॉर्थ अमेरिका में इस डायरेक्शन में जा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि कभी भी समुंदर जो होता है, ओशन जो होता है, उससे दूर की तरफ ग्लेशियर कभी नहीं जा सकते। अगर उससे दूर की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं और से वो ग्लेशियर आ रहे थे, और ये ग्लेशियर एक्चुअली में यहां से आ रहे थे और इस डायरेक्शन में जा रहे थे। तो ग्लेशियर का मूवमेंट भी बताता है कि कभी जो कॉन्टिनेंट्स थे वो एक थे। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी हमारे वैगनर साहब के साथ, वो प्रॉब्लम थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि इनका कारण, सभी ने मान लिया हाँ भाई चलो है, लेकिन इसका कारण क्या है ये बताओ। साइंस अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसका रीजन नहीं बता सकते, फिर तो ये तो प्रेडिक्शन हो गया एक तरीके का। तो अगर साइंस आप कह रहे हो तो आप क्लियर कट बताओ। तो इन्होंने एक सगुफे रचे, बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या बताएं वो, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि अर्थ के अंदर के बारे में उस समय तक कोई जानकारी नहीं थी कि अर्थ के अंदर क्या हो रहा है, ऐसा कुछ पता नहीं था। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये जो आपके अर्थ की क्रस्ट है ये सीमा पे घूम रही है, और ये जो बॉयंसी है, फोर्स ऑफ बॉयंसी, एक तो ये है, दूसरा इन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स है। इन्होंने कहा कि जो सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस अर्थ के ऊपर लगा, अर्थ यूं घूम रही है वेस्ट टू ईस्ट, और सन यहाँ पे है, ये इसके ऊपर खींच रहा है, रोक रहा है, तो ये रोटेशन को रोकने की कोशिश करता है। अब अर्थ तो घूम रही है, तो अर्थ तो चली गई आगे, लेकिन जो कॉन्टिनेंट्स थे वो इस ग्रेविटेशन की वजह से एक जगह पे रुके गए, वो उस स्पीड से नहीं चल पाया जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है, जिसकी वजह से वो पीछे रह गए, लैग बिहाइंड हो गए, और इस वजह से वो घूमते हुए लग रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि ग्रेविटेशन की वजह से जो आपका कॉन्टिनेंट्स है, कॉन्टिनेंट्स अर्थ तो घूम गई, ये कॉन्टिनेंट्स उस हिसाब से नहीं घूम पाए, और इस वजह से ऐसा लग रहा है कि कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। दूसरा फोर्स इन्होंने कहा फोर्स ऑफ बॉयंसी। इन्होंने कहा बॉयंसी क्या है, ये एक लिक्विड पे घूम रहे हैं, हाँ लिक्विड पे घूम रहे हैं, उस बॉयंसी फोर्स की वजह से ये नॉर्थ और साउथ की तरफ चले जाते हैं, जिनको हम कह सकते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्टिंग। तो ये जो ग्रेविटेशन है, जो फोर्स ऑफ बॉयंसी है, इसकी वजह से घूम रहे हैं, और ये साइंटिस्ट ने नहीं माना। साइंटिस्ट ने कहा जिस ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं आप वैगनर साहब, अगर उतनी ग्रेविटेशन हो जाए कि वो अर्थ की क्रस्ट को रोक सके, तो वो अर्थ को भी रोक देगा। अगर इतनी ग्रेविटी बढ़ गई सन और मून की, इतनी ग्रेविटी बढ़ गई कि वो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट करने लगे, तो इसका मतलब है वो अर्थ के रोटेशन को ही रोक देंगे। तो अर्थ का रोटेशन तो रुका नहीं, इसका मतलब ये जो फोर्स है,
ये जो फोर्स आप बता रहे हैं ग्रेविटेशनल जो क्रस्ट पे लग रही है इसका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, इससे क्रस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी को नेगलेक्ट कर दिया गया। वेगनर साहब उसी फ्रस्ट्रेशन में 1920s में चले जाते हैं आइसलैंड, और आइसलैंड में वो अपना पता लगाते रहते हैं कि नहीं मैं पता लगा के रहूँगा, साबित करके रहूँगा, और वहीं पे स्टॉर्म आया होगा और ये निपट गए वहीं पे। सी फ्लोर स्प्रेडिंग। लेकिन अब हुआ क्या, जब वेगनर साहब निपट गए तो ये थ्योरी ख़त्म तो हुई नहीं, इन्होंने एक तो उंगली कर दी थी कि यार कुछ तो है, कॉन्टिनेंट्स तो घूम रहे हैं। फिर हैरी हैस साहब, हैरी हैस साहब को ये आपके नेवी में थे, ये घूमते रहते थे, और आपको पता है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले बहुत सारा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ। कहते हैं ना कि अगर आप कहीं पे वॉर हो तो मिलिट्री सबसे ज़्यादा इनोवेशन होता है। तो ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुआ, आपको याद होगा सोनार, इन जो सबमरीन्स थे उनको पता लगाने के लिए सोनार बनाई गई कि जो सबमरीन नीचे अगर आ रही है तो उनको पता लगाया जाए भाई किस किस सबमरीन है क्या है। और ये सब पता लगाते लगाते कुछ और ही पता लग गया कि यार नीचे जब सोनार नीचे जाएगा तो ये बताएगा कि यार जो आपका ओशन है वो एक्चुअली फ्लैट नहीं है, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा है, कहीं पे ऊंचा है कहीं पे नीचा, एक्चुअली है क्या ये, कहीं पे रिजेस पाए जा रहे हैं, कहीं पे ट्रेंचेज पाए जा रहे हैं, आखिर ये है क्या। और हैरी हेस साहब को बहुत इंटरेस्ट आ गया इन सब चीज़ों में, और अल्टीमेटली इन्होंने एविडेंस ढूंढना शुरू किया कि यार ये कुछ तो गड़बड़ है, नीचे सी फ्लोर पे कुछ तो गड़बड़ है। और बाद में इन्होंने रॉक का एनालिसिस किया, नीचे गए इन्होंने रॉक का एनालिसिस किया, और फिर इनको एक नतीजे पर पहुंचे कि ये जो सी फ्लोर है यहाँ पे एक रिज जो पाई जाती है इस एरिया में, रिज जो पाई जाती है इस रिज के दोनों तरफ उन्होंने रॉक का एनालिसिस शुरू किया, और इन्होंने देखा कि यार इसके दोनों तरफ जो रॉक्स पाई जा रही हैं वो तो अलग अलग एज की हैं। और ये देखा कि जैसे जैसे हम दूर की तरफ जाते हैं इस रिज से, जैसे जैसे रिज क्या होती है, रिज क्या होती है, एक पहाड़ी होती है एक तरीके की जो लावा से बनी होती है, ठीक है, उसको रिज कहते हैं। इन्होंने कहा जब रिज से हम दूर की तरफ जाते हैं चाहे ईस्ट टू वेस्ट या नॉर्थ टू साउथ, अगर रिज इस तरीके से है तो मान लेते हैं नॉर्थ टू साउथ है, तो ईस्ट टू वेस्ट जाने पे क्या पता चला कि जब दूर की तरफ जा रहे हैं तो जो रॉक्स हैं वो ओल्डर होते जा रहे हैं, ओल्डर रॉक्स, और जब पास आते जाते हैं तो न्यूअर रॉक्स। तो रिज के सबसे पास सबसे नई रॉक पाई जाती है, रिज से दूर की तरफ पुरानी रॉक पाई जाती है। इसका मतलब है कि रॉक बन रही है और जो सी का फ्लोर है वो स्प्रेड हो रहा है, इसी को इन्होंने कहा कि सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, और इस थ्योरी को नाम रख दिया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये तो एक एविडेंस पता चला इन्होंने रॉक का। दूसरा इन्होंने एक चीज और पता लगाई कि जो रॉक्स थे इस रिज के दोनों तरफ बराबर बराबर दूरी पे इनको कुछ पट्टियां पाई गई। इस पूरे कॉन्सेप्ट को इन्होंने कहा पैलियो मैग्नेटिज्म। व्हाट इज पैलियो मैग्नेटिज्म? दैट देर आर सम मैग्नेटिक क्वालिटीज इन सम सब्सटेंस, जस्ट लाइक निकल। निकल में क्या होगा, मैग्नेटिक क्वालिटीज पाई जाती हैं, और ये मैग्नेटिक क्वालिटीज जब मैग्मा बाहर आता है रिज पे, जब मैग्मा बाहर आता है अर्थ के सरफेस तो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, और जब ये मैग्मा निकल के दोनों पार्ट में डिवाइड हुआ तो जो मैग्नेट्स होते हैं अगर वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो इन ये इसी में अलाइन हो जाते हैं। अलाइन होने के बाद जब मैग्मा लावा में कन्वर्ट हुआ और लावा सूख गया तो अब ये इसी डायरेक्शन में रह जाएंगे। ऐसा देखा गया
कि कुछ दूर पे एक पट्टियों का एक सिस्टम पाया गया जिसमें नॉर्थ पोल एक पट्टी में इधर था, दूसरे पट्टी में नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था। तो क्या देखा गया कि रिज से बराबर दूरी पर पट्टियां पाई जाती थीं जिसमें एक पट्टी में नॉर्थ पोल इधर होता था नॉर्थ की तरफ, लेकिन जो दूसरी पट्टी में देखा जाता है उसमें साउथ पोल इधर होता है और नॉर्थ पोल इधर होता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक रिवर्सल। तो इन्होंने एक बात कही कि पहली चीज तो यह है कि मैग्नेटिक रिवर्सल हो रहा है। इसका मतलब है कि देखो ये पट्टी एक यहां पाई गई, एक वहां पाई गई, एक यहां पाई गई, एक यहां पाई गई। पहला एविडेंस जो इनको लगा कि पहली बात यहां से इन्होंने निकाली, निष्कर्ष निकाला इन्होंने, नंबर वन कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि द पोल्स जो पोल हैं उनका जो नॉर्थ साउथ है और साउथ नॉर्थ है ये कुछ समय के बाद चेंज हो जाता है। देयर इज अर्थ का जो मैग्नेट, देयर इज ए मैग्नेटिक रिवर्सल ऑन अर्थ। इन्होंने कहा लगभग 100,000 ईयर के बाद, 100,000 साल के बाद मैग्नेटिक रिवर्सल हो जाता है। जो अर्थ का नॉर्थ हेमिस्फेयर है वो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल कन्वर्ट हो जाता है, साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ पोल नहीं, नॉर्थ साउथ में और साउथ नॉर्थ, उसका जो मैग्नेट है वो रिवर्स हो जाता है। दूसरी चीज, सेकेंड चीज, इस रिवर्सल से ही ये भी पता लग गया कि सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। हाउ? थोड़ी देर पे एक जगह नॉर्थ मिलेगा, दूसरी जगह नॉर्थ मिलेगा, फिर जो थोड़ी दूर आगे जाएंगे वहाँ इधर साउथ मिलेगा, इधर साउथ मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो रॉक हैं ये मूव कर रहे हैं और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम मान सकते हैं 100,000 साल का अंतर है दोनों के बीच में। हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया और हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया तो हमें ये पता चल गया कि रॉक्स आर मूविंग। तो एक तो उनका एज पता चल गया रॉक का, दूसरा उनका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो पता चल गई और यहां से ये निष्कर्ष निकाला गया कि सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। तो ये हैरीहेस साहब हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। इन द 1963 हैरीहेस, इन्होंने 1963 में फाइनली अपना पूरा कॉन्सेप्ट दिया। हैरीहेस डेवलप्ड द आइडिया ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग टू एक्सप्लेन द सी फ्लोर्स फॉर्मेशन। कॉन्टिनेंटल मूवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ ओशन फ्लोर मूवमेंट। इन्होंने कहा कॉन्टिनेंट्स मूव जो कर रहे हैं उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। सी फ्लोर जब स्प्रेड करता है तो कॉन्टिनेंट को भी लेकर के वो सरक रहा होता है और इसलिए कॉन्टिनेंट्स नहीं मूव कर रहे हैं बल्कि सी फ्लोर इज मूविंग। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग से कॉन्टिनेंटल स्प्रेडिंग का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद है सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, आप देखें ध्यान से, यहां पे इन्होंने पिक्चर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से मूव कर रहा है। यहां पे मैफिक लावा एक स्टूडेंट अलोंग द मिड ओशनिक रिज टू प्रोड्यूस ओशन फ्लोर। यहां से ओशन निकलता है, यहां पे फ्लोर फैल जाता है, रिजेस बनती हैं और इधर की तरफ ये निकल जाते हैं। न्यू मटेरियल इज एडेड, द कूलर मटेरियल इज स्प्लिट एंड इज पुश्ड अवे फ्रॉम द रिज। आपको मैंने पहले भी बताया होगा कि जो कूलर मटेरियल है वो क्या होगा, उसे पुश किया जाएगा दूर की तरफ और नया मटेरियल आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं कॉन्स्ट्रक्टिव बाउंड्री। इसलिए इसको बोला जाता है क्या, कॉन्स्ट्रक्टिव बाउंड्री, क्योंकि यहां पे मटेरियल नीचे से आ रहा है और नया क्रस्ट बन रहा है। एविडेंस ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग हमने उसको देख लिया है पहले ही कि क्या क्या एविडेंस है। नाउ अब जो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग है आखिर इसका क्या कारण है। एक आदमी आया और ये बता गया कि कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, दूसरा आदमी आया वो ये बता गया कि सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, आखिर इसका कारण क्या है। ये आर्थर होम साहब थे, इन्होंने सबसे पहले इसको एक्सप्लेन किया और इन्होंने कहा कि जो हमारी अर्थ है और जो हमारी कोर है और जो हमारा मेंटल है इनके बीच में हीट एक्सचेंज होता है। आपको पता है कोर पे जो टेम्परेचर है वो 2000 से लेकर के
5000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और मेंटल और कोर के बीच हीट एक्सचेंज होता है और ये हीट एक्सचेंज होने के दौरान मेंटल लूप्स बनते हैं, थर्मल लूप्स बनते हैं। और ये जो थर्मल लूप्स होते हैं, साहब, यही अल्टीमेटली कन्वेक्शनल करंट की तरह काम करते हैं। आपको पता होगा कि जो कन्वेक्शनल करंट्स हैं, जो कन्वेक्शनल करंट इनका रीजन क्या है, जैसे वाटर होता है, वाटर को जब आप बॉयल करते हो, यहाँ देखो, इट इज जस्ट लाइक व्हाट, इट इज जस्ट लाइक स्टोव। ये स्टोव है, हीट कर रहा है मटेरियल को ऊपर। तो जैसे वाटर होता है, वो बॉयल होता है तो उबाल मारता है तो पानी बीच में ऊपर आता है और किनारे से फैलता है, सेम चीज़ यहाँ पे होता है। इन्होंने कहा जो ये क्रस्ट है, ये जो लिथोस्फेयर है, इसके मूव होने का कारण है कन्वेक्शनल करंट व्हिच इज मूविंग इन मेंटल। मेंटल में जो कन्वेक्शनल करंट है वो निकलता है और इस पर दबाव डालता है और क्रस्ट को तोड़ देता है, लिथोस्फेयर को तोड़ देता है। और इसकी वजह से जो हमारे अर्थ की जो लिथोस्फेयर है, बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है। तो ये ओशन पे, ओशन के ऊपर जनरली जो मेंटल लूप्स पाए जाएंगे, ये ओशन के ऊपर पाए जाएंगे, ओशन के नीचे पाए जाएंगे, और ओशन की फ्लोर को ये तोड़ देते हैं, और ओशन के फ्लोर को तोड़ देते हैं, और ये ओशन जो है वो पूरे प्लेट्स को लेके घूमता है, कॉन्टिनेंट्स को भी लेके घूमता है, और जिसकी वजह से डिस्ट्रक्टिव एंड कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज पाई जाती हैं। जहाँ पे ये नीचे की तरफ जा रहा होगा, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ओके, तो जहाँ पे नीचे की तरफ जा रही होंगी प्लेट्स, वहाँ पे प्लेट्स का डिस्ट्रक्शन होगा, और जहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही होंगी वहाँ पे प्लेट्स का कॉन्स्ट्रक्शन होगा। तो दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। और इन सब का कारण कौन है? कन्वेक्शनल करंट व्हिच इज मूविंग इन मेंटल। ठीक है, तो ये हमारी कन्वेक्शनल करंट हाइपोथेसिस है जो कि आर्थर होम साहब ने दिया। ये देखिए, इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन भी किया इसको। ये देखिए, ये मेंटल है, कन्वेक्शन हो रहा है और इस जगह अपवेलिंग हो रहा है, मिड ओशनिक रिज पाई जाती हैं, यहाँ पे पुश होता है दोनों तरफ, देखो ये जाती हैं। इसके बाद देखिए कन्वेक्शनल सेल्स होती हैं किस तरीके से चल रही हैं। कन्वेक्शन विद इन सेल्स विद इन द मेंटल, पुशिंग एट द मिड ओशनिक रिजेस, पुलिंग एट द सबडक्शन जोन्स। तो पुश होता है कहाँ पे? जहाँ अपवेलिंग होगी, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे। हाँ, पुलिंग कहाँ होगी? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे। ठीक है, अब कंपैरिजन कर लेते हैं हम इसको, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड प्लेट टेक्टोनिक्स का। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को एक्सप्लेन किसने किया? वेगनर साहब ने 1920s में, 11 से शुरू किया था, 20s में फाइनली आ गए थे, बाद में 1925 तक इसको नेग्लेक्ट भी कर दिया गया था। सी फ्लोर स्प्रेडिंग आर्थर होम साहब, राइट, उन्होंने एक्सप्लेन किया कन्वेक्शनल करंट थियोरी को। हैरी हेस साहब ने इन्हीं की थियोरी को यूज किया और अपना अल्टीमेटली उन्होंने एक्सप्लेन किया सी फ्लोर स्प्रेडिंग को। तो आर्थर होम साहब ने कन्वेक्शनल करंट थियोरी दी, हैरी हेस साहब ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग दी, वेगनर साहब ने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट दी, और अल्टीमेटली मैकेंजी एंड पार्कर साहब ने इसको यूज किया और प्लेट टेक्टोनिक थियोरी को एक्सप्लेन किया, और मॉर्गन साहब ने इसको पूरी तरीके से आउटलाइन किया। थियरी क्या करती है? एक्सप्लेन करती है कॉन्टिनेंट्स मूव को, ये एक्सप्लेन करती है ओशनिक प्लेट मूवमेंट को, और ये ओवरऑल लिथोस्फेरिक मूवमेंट को एक्सप्लेन करता है आपका प्लेट टेक्टोनिक थियरी। इनका फोर्सेस ऑफ मूवमेंट क्या है? बॉयंसी, ग्रेविटी, पोल फिलिंग फोर्स, टाइडल करंट्स, ये सारे इनके फोर्सेज हैं। इनका था कन्वेक्शनल करंट जो मेंटल को ड्रैग कर रहा है क्रिस्टल प्लेट्स को, और अल्टीमेटली वही फोर्स यहाँ पे भी यूज किया गया प्लेट टेक्टोनिक्स में। इस फोर्स को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया गया, लेकिन इसको माना गया, कन्वेक्शनल करंट को माना गया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए एविडेंसेस जो हैं वो आपको पता है,
कि फिजिकल फीचर्स हैं, बॉटनिकल एविडेंस, फॉसिल एविडेंस, हाँ, प्लेसर डिपॉजिट्स, रॉक्स से इमेज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स एट्सेट्रा। ये आप एक बार पढ़ लेंगे, है ना, इसको ध्यान से देखेंगे, आपको पूरी पूरी जितनी भी थियरी है तीनों जो हमने डिस्कस किया ऊपर, यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में मिल जाएगा। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ओशन बॉटम रिलीफ, पैलियो मैग्नेटिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज, इन सबको जब देखा गया तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एविडेंस मिला। प्लेट टेक्टोनिक ने भी लगभग वही यूज किया जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के लिए यूज किया गया था, हाँ, वही सारे लगभग देखो आप, वही सारी चीज़ें यहाँ पे भी हैं। ड्रॉबैक्स क्या हैं? टू जनरल है सी फ्लोर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, टू जनरल है, एकदम इलॉजिकल एविडेंस दिए गए इसमें कि ये जो मैकेनिज्म था एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इन्होंने कहा कि सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, वो अर्थ की क्रस्ट पर लग ही नहीं सकता इतना ज़्यादा। डजंट एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, इन्होंने कहा सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रही है तो कॉन्टिनेंटल मूवमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाए ये। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने सबको जोड़ करके एक्सप्लेन किया, इसलिए कोई दिक्कत इनकी हुई ही नहीं। इसकी ड्रॉबैक्स हैं, इन्होंने लिखा नहीं लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनकी ड्रॉबैक ये है कि ये इंट्रा प्लेट जो वोल्केनो हैं उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, जिनको कहा जाता है मेंटल प्लूम। ठीक है, ये थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया, ये कंप्लीट नहीं थी, ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड है। यूजफुलनेस क्या है? इट हेल्प्ड इन द इवोल्यूशन ऑफ कन्वेक्शन करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, हेल्प्ड इन इवोल्यूशन ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एंड हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स। तो प्लेट थ्योरी पे क्वेश्चन मेंस का बनता है, मेंस पूछा जाता है कि टू व्हाट एक्सटेंट डू यू फील दैट द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इज एबल टू एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द जियोग्राफिकल फिनोमिना ऑन अर्थ सरफेस। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में। अब सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी थोड़ा सा आप देख लें। ऑलमोस्ट ऑल मेजर लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड आर ड्यू टू प्लेट टेक्टोनिक्स, माउंटेन्स, ट्रेंचेज, रिजेज, ये सारी चीज़ें कौन हैं, किसकी वजह से हैं? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इनको एक्सप्लेन कर पाई है। न्यू मिनरल्स आर थ्रोन अप, जो प्लेट टेक्टोनिक्स हैं इनकी वजह से ही बहुत सारे मिनरल्स आते हैं मैग्मा के फॉर्म में, और प्लेट बाउंड्री जो होती है वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कॉपर, यूरेनियम, ये सारे वहाँ पर पाए जाते हैं। From present knowledge of crustal plate movement, the shape of land masses in future can be predicted. जो plate tectonic theory explain कर सकती है कि future में किस तरीके के landform होंगे। For instance, if the present trend continue, North and South America will separate. जो North और South America ये separate होगा ऐसा prediction किया जा सकता है। A piece of land will separate from the east coast of Africa, Australia will move closer to Asia. जो ऑस्ट्रेलिया है वो एशिया के क्लोज चला जाएगा और अफ्रीका का भी एक पार्ट निकल जाएगा। ये सब एक्सप्लेनेशन किसके आधार पे किया जा सकता है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पे किया जा सकता है। तो प्लेट टेक्टोनिक का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अब हम करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। पहला, When two plates are moving towards each other, the boundary between the two are called convergent plate boundary. सही या गलत? सही, fine. If two plates are moving away from each other, then they are called destructive boundary. When two plates are moving away from each other, then they are called destructive plate boundary. गलत, इनको कहा जाता है constructive plate boundary. The concept of sea floor spreading was discussed by Arthur Holmes. सही या गलत? गलत, क्योंकि ये हैरी हेस साहब ने एक्सप्लेन किया। वैगनर डिस्कस्ड द मेंटल प्लूम थ्योरी, है क्या? नो। रिंग ऑफ फायर इज फाउंड इन अटलांटिक ओशन,
रिंग ऑफ फायर इज फाउंड इन अटलांटिक ओशन. नो, इट इज पैसिफिक ओशन. मिड अटलांटिक रिज स्ट्रेचेज फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक टू साउथ अटलांटिक ओशन. मिड अटलांटिक रिज स्ट्रेचेज फ्रॉम नॉर्थ अटलांटिक टू साउथ अटलांटिक ओशन. बिल्कुल सही बात है. कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग. बिल्कुल सही बात है. रिजेज आर द फिनोमिना ऑफ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. क्या रिजेज डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पाई जाती हैं? यस. मेजर अर्थक्वेक्स आर द रिजल्ट ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. क्या कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे अर्थक्वेक्स पाए जाते हैं? मेजर. यस. मेजर फोल्ड माउंटेन्स आर फाउंड एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. मेजर फोल्ड माउंटेन्स आर फाउंड एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. नो. देखिए यहाँ पे एक रिंग ऑफ फायर वाला है, शायद मैंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया था. आप इसको ध्यान से देखें, रिंग ऑफ फायर हुआ क्या. जो रिंग ऑफ फायर है वो क्या है? रिंग ऑफ फायर देखिए, ये जो एरिया है ये वाला पूरा, यहाँ पे प्लेट्स इधर मूव कर रही हैं और इधर मूव कर रही हैं. ये प्लेट्स मूव कर रही हैं जिसकी वजह से यहाँ पे चारों तरफ वोल्केनो पाया जाएगा. आपको याद होगा मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब दो प्लेट्स इस तरीके से मूव करती हैं जिनमें से एक ओशनिक प्लेट्स होती है, तो ओशनिक प्लेट्स पहुँच जाती है नीचे, जिसको कहते हैं बेनी ऑफ जोन. ये बेनी ऑफ में जोन में जा करके मेल्ट हो जाती हैं और मेल्ट होने के बाद ये ऊपर आती हैं और यहाँ पे वोल्केनो बनाती हैं. आप ध्यान से देखें, ये ओशनिक प्लेट बाउंड्री है, ओशनिक प्लेट्स हैं ये इधर मूव कर रही हैं और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं. जब ये टकराती हैं इससे तो ये इस एरिया में इस कॉन्टिनेंट्स पे जा करके वोल्केनोज बनाती हैं और ये वोल्केनोज पूरे चारों तरफ हैं पूरे पैसिफिक ओशन में और इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर. याद रखेंगे जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होगी वहां पे बनेंगे ट्रेंचेस. जहां पे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, देखिए ट्रेंचेज होती क्या है. देखिए ये आई और ये गई अंदर, ये जो गहराई है ये, इसी को हम बोलते हैं ट्रेंच. तो कहां पे पाई जाएंगी? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे पाई जाएंगी. ट्रेंचेज कहां पाई जाएंगी? खाइयां कहां पाई जाएंगी? कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे पाई जाएंगी. सबसे जो गहरा पॉइंट है पूरे अर्थ पे उसे कहते हैं मैरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशन में है. और जो रिजेज है, रिजेज जो पहाड़ी नुमा संरचना है, वो कहाँ पाई जाएगी? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे पाई जाएगी. डाइवर्जेंट जो दूर की तरफ जाती हैं, यहाँ पे रिजेज पाई जाएंगी. क्यों रिजेज पाई जाएंगी? क्योंकि मटेरियल ऊपर आएगा और लावा के फॉर्म में फैल जाएगा और इस तरीके से रिजेज पाई जाएंगी. ये जो रिज है इसको कहते हैं मिड अटलांटिक रिज. ये पाई जाती है अटलांटिक ओशन में, जो कि एस के आकार का है. ये पूरी रिजेस पाई जाए, एक पहाड़ी है. सबसे लॉन्गेस्ट जो माउंटेन है आप कह सकते हैं इसको, मोर देन 4000 किलोमीटर इनका जो पूरा लंबाई है. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि रिजेस आर व्हाट, इनको ओशनिक हिल्स आप अपने दिमाग में रख सकते हैं. ओशन में जो हिल्स पाई जाती हैं उस टाइप के हैं. ये बनी किससे होती हैं? ये बनी होती हैं लावा से. ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं. थैंक यू वेरी मच. सी यू वेरी सून विद द न्यू लेक्चर.